हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लियो और आप देख रहे हैं लेमनजेटिक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी का भी वीज़ा आप चेक कर सकते हो अगर वो सऊदी अरब जा रहे हैं, और आप कैसे चेक कर सकते हो कि उनका वीज़ा असली है या नकली है, या फिर ये वर्किंग वीज़ा पर जा रहे हैं या फिर आपका विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं। आप अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हो। तो क्या प्रोसेस है आज के स्टूडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलने के लिए वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो इस रेड वाले बटन के दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन वाले बिल को ऑन कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो फर्स्ट टाइम जो वीजा आपका आएगा वहां से स्टाम्प होकर, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से वीजा आपका आएगा अगर आप सऊदी अरब जाना चाह रहे हो या फिर वहां आप जाने के लिए आपने अप्लाई किया है। तो वहाँ का जो वीज़ा होगा कुछ इस तरीके से वीज़ा आएगा। यहाँ पे आपका एक नंबर दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। E26100260, ये आपका मोफा नंबर या फिर बोल सकते हैं अप्लीकेशन नंबर भी इसको बोलते हैं। तो आपको इसको पहले लिखना होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं जब जहाँ पे आपको दिखाऊंगा वहाँ पर इसको डालना होगा ये नंबर, तभी आपको डिटेल यहाँ पे पता चलेगा। इसके साथ ही आपको दूसरी जो चीज़ करनी होगी, यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर दिख रहा होगा, लास्ट में आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर दिख रहा है, ये देखिए P69 39840, ये आपका पासपोर्ट नंबर हो गया। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपने क्या करना है ना, सिंपली आपने अपना ब्राउज़र में आना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। गूगल क्रोम पे आने के बाद तो आपने सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, तो थ्री डॉट पे आपने सिंपली क्लिक करना है। इसको आपने डेस्कटॉप साइट मोड पर ओपन करना है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट मोड ओपन कीजिएगा। जैसे कि ये देखिए, मैंने डेस्कटॉप साइट मोड पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर टाइप क्या करना है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, आपने यही स्पेलिंग टाइप करना है। आप देख लीजिए, इंजाजित, आपने सिंपली यही स्पेलिंग टाइप करना है। स्पेलिंग टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके से अरबी में उसका जो पहला पेज आएगा, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा। अब यहाँ जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन के सामने आएगा। सारा चीज़ जो होगा वो अरबी में होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट आपको क्या करना है ना, सिंपली आपने यहाँ पे कॉर्नर पे जाना है। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। आपने क्या करना है, पेज के एकदम कॉर्नर पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इंग्लिश, ये देखिए, आपने सिंपली इस पर जाना है और इस पर इंग्लिश पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपके इंग्लिश वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, मतलब आपका जो ओपन होगा सारा प्रोसेस वो इंग्लिश में ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर और दूसरे पे पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, जो मैंने मोफा नंबर आपको बताया था, वो नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। ये देखिए, ये डाल दिया। इसके साथ ही आपको यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर तो आपने डाल दिया, उसके साथ ही आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है। ये देखिए, मैंने पासपोर्ट नंबर पहले से ही टाइप किया हुआ, तो पासपोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप अपना पासपोर्ट नंबर और अपना डिटेल यहाँ पे फिल कीजिएगा। यहाँ पे करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैप्चा है जो कि काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ पे देख के बहुत ही केयरफुली आप इसको फिल कर सकते हो। ये देखिए, फिल करने के बाद आपने क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। जब आप सर्च पे जैसे ही कर देंगे क्लिक, तो यहाँ पे उस वीज़ा की पूरी डिटेल आपके सामने इस तरह कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, किस काम पे, उनका क्या वर्क है, प्रोसेस क्या है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले तो उनका फोटो लगा हुआ है, यहाँ पर वीज़ा नंबर है सऊदी, इसके साथ ही नंबर ऑफ एंट्रीज, आपका अरबिक नेम जो है, नेम, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, जेंडर, वर्क, पर्पज़ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पज़, अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपका विजिट लिखा रहेगा पर्पज़ में। यहाँ पे ये वर्क में जा रहे हो तो इसलिए यहाँ पे वो आपका वर्क में शो कर रहा है। इसके साथ ही आपका वीज़ा टाइप, यहाँ पे स्पॉन्सर, पासपोर्ट नॉर्मल है क्या है, करंट नेशनलिटी, ये सब सारा चीज़ आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे, आप किसी भी, अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स, कलीग या फिर रिलेटिव जा रहा है सऊदी अरब, तो उनके आप वीज़ा को कैसे चेक कर सकते हैं असली है या नकली। तो
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त अली को ज़्यादा दीजिए, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।